हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है जी, जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, ये आपने प्लस वन प्लस टू में डिटेल में पढ़ा हुआ है, तो बस इसकी इलेबोरेटेड फॉर्म ही है बीएससी सेमेस्टर वन में बेसिकली जो आपने प्लस वन प्लस टू में पढ़ा हुआ है वही रिवाइज्ड फॉर्म है। ठीक है बेटा, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला जो टॉपिक है वो है डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है बेटा, डी ब्रॉगली ने क्या कहा था, ऑल मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पोजेस वेव कैरेक्टरिस्टिक। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कि कोई भी जो पार्टिकल मोशन में है, एवरी मूविंग मटेरियल, कोई भी चीज़ जो मोशन में है उसमें क्या पैदा होती है बेटा, वेव पैदा होती है। उस वेव को क्या नाम दिया गया, डी ब्रॉगली वेव, कि विद एवरी मूविंग मटेरियल देयर इज एसोसिएटेड अ वेव, उस वेव को नाम दिया गया मैटर वेव। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली अगर उस वेव की वेवलेंथ आपने निकालनी है, दैट इज लैम्डा, वो कैसे निकालते हैं बेटा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एम इज मास, वी इज वेलोसिटी। और आपको पता है मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी भी उसे कह सकते हैं। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि कोई भी चीज जो मूव कर रही है उसमें एक वेव पैदा हो रही है, एंड दैट वेव इज नोन एज डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, या उसे मैटर वेव कहते हैं। ठीक है, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ का ये जो आपने डिराइव किया है वेवलेंथ वाला रिलेशनशिप, ये कैसे आया, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है बेटा, तो डिराइव कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी आपने प्लस वन में पढ़ी होगी, प्लैंक के अकॉर्डिंगली एनर्जी किसके बराबर होती है, ई इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एनर्जी किसके बराबर होती है, एम इंटू सी स्केयर, वेयर एम इज मास एंड सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे कि एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एंड एनर्जी इज इक्वल टू एम सी स्केयर, तो क्या आ जाएगा बेटा, एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्केयर। ठीक है जी, यहाँ पे अगर आपको पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होती है बेटा, सी बाय लैम्डा, आपने ये रिलेशनशिप प्लस वन में पढ़ा होगा कि सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी न्यू क्या आ जाएगी बेटा, सी बाय लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, सी बाय लैम्डा, अगर आप फ्रीक्वेंसी की जगह सी बाय लैम्डा पुट कर दोगे तो ये आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्केयर। ठीक है जी, एक सी से दूसरा सी कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू एम सी, और अगर लैम्डा आपने निकालना है डी ब्रॉगली वेवलेंथ वो क्या आ जाएगा, एच अपॉन एम सी, एम सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट। अगर आपने वेलोसिटी ऑफ मैटर देखनी है तो सी की जगह आप रिप्लेस कर दोगे वी, तो आपके पास डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ठीक है जी, द वेवलेंथ ऑफ द मटेरियल पार्टिकल लैम्डा इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो ये है बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से आपको क्या पता लगता है बेटा, ड्यूल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी। ठीक है, तो वेव नेचर जो है और पार्टिकल नेचर, इसका मतलब है ड्यूल नेचर इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ दोनों चीज़ें बताती है कि इसमें पार्टिकल नेचर भी है और वेव नेचर भी। तो सबसे पहले पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई कैसे करते हैं, ठीक है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो है पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का मास होता है, एनर्जी होती है, मोमेंटम और चार्ज होता है। जब हम इलेक्ट्रॉन को जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, जब हमने इलेक्ट्रॉन को जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक किया, तो हर एक इलेक्ट्रॉन जब स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक किया तो उसने एक डॉट प्रोड्यूस किया, एक स्पॉट प्रोड्यूस किया। ठीक है, स्पॉट ऑफ लाइट नॉन एज सिंटिलेशन, कि जब आपने इलेक्ट्रॉन को जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक किया तो इलेक्ट्रॉन ने बेटा क्या प्रोड्यूस किया, एक स्पॉट प्रोड्यूस किया। अगर उसने एक स्पॉट प्रोड्यूस किया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, क्योंकि अगर वेव होता तो वो स्प्रेड करता, पर वो स्प्रेड नहीं किया, उसने एक स्पॉट प्रोड्यूस किया, लोकलाइज्ड स्पॉट प्रोड्यूस किया, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, पार्टिकल नेचर। तो इस तरह से पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का पता लग गया। ठीक है, अब सेकेंड इज वेव नेचर। वेव नेचर का कैसे पता चला, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है जस्टिफाई किया था दो साइंटिस्ट थे, डेविसन एंड जर्मर। डेविसन एंड जर्मर ने 1927 में
वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई किया। देखो बेटा उन्होंने क्या किया, डेविसन और जर्मन ने इलेक्ट्रॉन बीम को पास किया निकल क्रिस्टल में, फिर निकल क्रिस्टल से पास करने के बाद उसको अलाउ टू फॉल ऑन फोटोग्राफिक प्लेट। ये फोटोग्राफिक प्लेट थी, पहले एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिया जो बल्ब में से निकल रहा था, उसको पास किया निकल क्रिस्टल से, फिर निकल क्रिस्टल के बाद उसको पास किया फोटोग्राफिक प्लेट पे। जब उन्होंने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर पास किया तो उन्हें कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिले। कंसेंट्रिक रिंग मीन ये जो गोलाकार रिंग देखने को मिले, इन कंसेंट्रिक रिंग्स को देख के उन्हें पता लगा कि ऐसे रिंग तो एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं, और हमें पता है कि एक्स रेज क्या है, वेव, और क्योंकि ये वेव जैसे रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन के द्वारा, तो इसीलिए जो है ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई करता है। तो ये एक्सपेरिमेंट वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई करता है, ठीक है जी। क्योंकि सेम आप ये पढ़ लेना, इसमें यही लिखा है कि व्हेन अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू पास थ्रू निकल क्रिस्टल एंड देन फॉल ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, कंसेंट्रिक रिंग्स वर प्रोड्यूस्ड, सिमिलर रिंग्स वर प्रोड्यूस्ड बाय एक्स रेज, एंड सिंस एक्स रेज आर वेव्स, एक्स रे वेव हैं, और इलेक्ट्रॉन ने भी वैसी ही वेव प्रोड्यूस की हैं, इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है उसमें वेव करेक्टर भी है, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वेव करेक्टर भी शो कर रहे हैं, और जब उन्होंने स्पॉट प्रोड्यूस किया था इसका मतलब उनमें पार्टिकल नेचर भी था, तो इस तरह से ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्टिफाई हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल करेक्टर भी है और वेव करेक्टर भी, ठीक है। अब अगर आपने डी ब्रॉगली वेवलेंथ की एस्टीमेशन करनी है, एस्टीमेटिंग द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, ठीक है, तो एस्टीमेट करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट एन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एक मूविंग पार्टिकल में प्रोड्यूस होती है, मूविंग पार्टिकल क्या है, इलेक्ट्रॉन। जब आप इलेक्ट्रॉन को मूव कर रहे हो पोटेंशियल वी की वी से, देन काइनेटिक एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज वी ई, एंड सॉरी, जब आपने इलेक्ट्रॉन को बेटा एक्सेलरेट किया पोटेंशियल वी से, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल है तो इसको आपने नाम दिया वी ई, और जब आपने इलेक्ट्रॉन को मूव किया तो उसमें क्या आ गई, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है हाफ एम वी स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि जो पोटेंशियल है रेस्ट से जब उसको एक्सेलरेट किया तो वो पोटेंशियल किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी के, तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ई, ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी ई, ठीक है। अब यहाँ से जब हम एम वी वाली वी को कैलकुलेट करेंगे तो वी आ जाएगा टू वी ई अपॉन एम, और हाफ जो है उसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब ये जो वी की वैल्यू आई है वो आप डी ब्रॉगली रिलेशन में पुट करो, डी ब्रॉगली रिलेशन क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, तो ये जो आपने वी की वैल्यू निकाली है ये वी की वैल्यू इस रिलेशन में पुट कर दो तो ये आ जाएगा एच अपॉन एम टू वी ई अपॉन एम वन बाई टू, ठीक है, ठीक है। अब अगर आप सारी वैल्यू पुट कर दें, एच होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 34, ये याद रखनी होती है। इलेक्ट्रॉन का मास, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ये भी याद रखना होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 31, तो जब आप H की वैल्यू पुट कर दोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट कर दोगे, चार्ज ऑन E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट कर दोगे तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.226 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9 डिवाइडेड बाय अंडर रूट V। तो इस तरह से आप एस्टीमेशन ऑफ वेवलेंथ कर लोगे इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल आप ये फॉर्मूला निकालोगे, ठीक है। एंड आज के दिन का लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। मैटर वेव बेटा कौन सी होती हैं, जो डी ब्रॉगली ने सर्च की थी, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं, जो क्लार्क मैक्सवेल ने सर्च की थी, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको अगर याद हो प्लस वन में, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से एसोसिएट होती हैं और दोनों के परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन मैटर वेव ना इलेक्ट्रिक फील्ड से एसोसिएट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से एसोसिएट होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी रेडिएटेड इनटू स्पेस और इमिटेड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो स्पेस में आराम से घूम सकती हैं, लेकिन मैटर वेव्स जो हैं वो स्पेस में आराम से रेडिएट नहीं हो सकती। ये पार्टिकल्स में पैदा होती हैं, मूविंग पार्टिकल में, तो इनका स्पेस में रेडिएट होने का कोई लॉजिक नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ये वैक्यूम में भी पास कर सकती हैं, लेकिन मैटर वेव को कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ये वैक्यूम में से पास नहीं हो सकती। वैक्यूम होता है जहाँ पे कोई एयर ना हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है। मैटर वेव जो है डिफरेंट वेलोसिटी से मूव करती हैं, उनकी वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं है।
ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है, 3×10⁸ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी इसके बराबर है। मैटर वेव की वेलोसिटी जो है वो लेस देन होती है लाइट की वेलोसिटी से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो रिलेशन है वेवलेंथ का, देखो बेटा मैंने बताया था ना सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रिलेशन है। यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, सी बाय न्यू, लेकिन डी ब्रोगली का लैम्डा क्या होता है, एच अपॉन एम वी। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैटर वेव। इसके साथ डी ब्रोगली प्रिंसिपल ऑलमोस्ट ख़त्म है। अगर आपको बुक का पूछना है तो मैं इस टाइम मॉडर्न की बुक से पढ़ा रही हूँ, मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री BSc पार्ट 1 सेमेस्टर 1। ठीक है जी, आप ये परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं। मॉडर्न की लेनी है मॉडर्न की ले लें, प्रदीप की लेनी है प्रदीप की ले लें, जो आपकी चॉइस है ले लें। मैं मॉडर्न की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक से पढ़ा रही हूँ। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।